सुल्तानपुर के एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने अचानक अमेठी के पुलिस कर्मियों को भयंकर चेतावनी दे दी है, जिसमें सभी पुलिस वालों के साथ साथ उनका परिवार भी उलझ कर रह गया है। दरअसल एसपी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अमेठी जिले में तैनात पुलिस कर्मी सुल्तानपुर पुलिस लाइन के सरकारी आवास को तुरंत खाली करें। आप सोच रहे होंगे कि किसी जिले के कप्तान दूसरे जिले के पुलिस वालों पर ऐसे अचानक गाज कैसे गिरा सकते हैं, तो इसे समझने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। कांग्रेस से भाजपा के गढ़ में तब्दील होने वाला अमेठी जिले के रूप में 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में आया। अमेठी उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है, जिसे बीएसपी सरकार ने आधिकारिक तौर पर जिला घोषित किया था। अब ये जिला सुल्तानपुर और रायबरेली से कटा था, लिहाजा पुलिस बल की कमी भी इन्हीं जिलों से पूरी की गई, जिसमें लगभग 60 और 40 का प्रतिशत रखा गया। जिन पुलिस वालों को अमेठी जिले में तैनात किया गया, वो सभी सुल्तानपुर की पुलिस लाइन में रहते थे और अभी भी उनमें से अधिकतर वहीं रहते हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि 12 साल गुजरने के बावजूद अमेठी जिले में पुलिस वालों के लिए सरकारी आवास या यूं कह लें कि पुलिस लाइन नहीं बनाई गई। लेकिन अब सुल्तानपुर पुलिस लाइन में रहने वाले इन्हीं पुलिस वालों को एक हफ्ते के अंदर आवास खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल एसपी सुल्तानपुर ने नोटिस जारी कर सभी अमेठी या दूसरे जिले में तैनात पुलिस वालों को ये चेतावनी दी है कि अगर तय वक्त पर सरकारी आवास खाली नहीं किए गए, तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कानूनी तरीके से आवास खाली कराए जाएंगे। ऐसे अचानक शॉर्ट नोटिस आने से सिर्फ पुलिस कर्मियों पर ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ रहा है। डिपार्टमेंट में मिलने वाली छुट्टियां और काम का अनिश्चित समय किसी शब्द का मोहताज नहीं है। बकायदा पुलिस कर्मियों ने बच्चों की पढ़ाई बाधित होने और अपनी कुछ दूसरी समस्याओं का जिक्र करते हुए आवास ना खाली कराए जाने के लिए गुहार लगाई है। गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ ग्रेजुएशन की भी परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं। पुलिस कर्मियों ने एसपी से लगाकर डीआईजी, आईजी और डीजीपी तक को पत्र लिखा है। आपको बता दें, कर्मियों ने डीजीपी के जरिए साल 2016 में परिपत्र संख्या DG 67/2016 की धारा 1 की उपधारा 4 के पैराग्राफ 4 और 5 में दर्शित शासनादेश का हवाला दिया है। इस परिपत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि नवसृजित जनपद अमेठी में आवास की व्यवस्था उपलब्ध न होने तक सुल्तानपुर में आवंटित आवास खाली नहीं कराए जाएंगे। वहीं आईजी केपी सिंह ने कहा कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों के जरिए जारी निर्देशों का अवलोकन करके संबंधित अधिकारियों से बात करके उचित हल निकाला जाएगा। फिलहाल कमी शासन की भी कही जा सकती है, क्योंकि जिला बने करीब 12 साल हो गए हैं, लेकिन जमीन आवंटित होने के बाद भी आज तारीख तक मकान तो छोड़िए उसकी नींव तक नहीं डाली गई है। ये खबर सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता अंकुश यादव ने कवर की है। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप YouTube पर हमारी इस खबर से रूबरू हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।